हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2020 के पेपर नंबर 3 की, उसका पूरा नया जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस के अंदर चेंज आए हैं, किस तरीके से पुराने सिलेबस के हिसाब से अभी का जो सिलेबस है वो आपका आप उसको पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले दो वीडियो के अंदर में पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों के बुक लिस्ट और उसके अलावा उसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी, कौन सी वेबसाइट्स के द्वारा उसको हम पढ़ सकते हैं, ये सब बातें ऑलरेडी मैं पिछले दो वीडियो में कर चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उन दोनों लेक्चर्स की जो लिंक है वो लिंक दी हुई है, ठीक है। तो अनअकैडमी पर मैं आपको एमपीपीएससी में प्लस कैटेगरी के अंदर आपको पढ़ाता हूँ और कौन कौन से कोर्सेज मेरे चल रहे हैं पहले वो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। एमपीपीएससी मेंस पेपर 1, उसके अंदर आपका पूरा मेंस का पेपर 1 का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी मेंस पेपर 2, पेपर 2 का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। पेपर 3 और पेपर 4 चारों जो कोर्सेज है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है फॉर द 2019 के लिए, 2019 के लिए। उसके अलावा 2020 का जो सिलेबस है, 2020 का जो प्रीलिम्स है, उसके लिए आपका दो पार्ट के अंदर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट्स के अंदर अगले 3 महीने के अंदर, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल और आधा मई, तकरीबन 3-3.5 महीने के अंदर पूरा जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे 2020 का सिलेबस अभी यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको वीकली क्विज और कई सारे दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। कोड आपको यूज करना है पवन लाइव, इस कोड का भी यूज करेंगे तो यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज, और रोज अगर आप अनअकैडमी पर लेक्चर्स देखते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है उसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से 20% डिस्काउंट जो है इन प्लस कोर्सेज के ऊपर आप यहाँ पे पा सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, बस इसमें अंतर ये है कि पहले इसके अंदर इकोनॉमिक्स के पार्ट बहुत सारे थे, अब इकोनॉमी का जो पार्ट है वो इससे भी यहाँ पे हटा दिया गया है। तो यूनिट 1 जो इसकी है पूरे यूनिट के अंदर डिवाइडेड है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, फिर यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो बेसिक आपका जो साइंस है, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल, एटमोसफियर, प्रेशर वर्क वगैरह, तो ये पूरा यूनिट 1 है, ठीक है। उसके अलावा यूनिट एंड आपका यूनिट एंड मेजर एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ, स्पीड, वेलोसिटी, एसेलरेशन, साउंड, फिर उसका डेफिनेशन, मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड, नॉइस, म्यूजिक, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द साउंड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन वगैरह। तो पूरा बेसिक आपका जो फिजिक्स है, पूरा बेसिक फिजिक्स इसके अंदर अभी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सर्किट, मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन, देन यूज ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट, लाइट के अंदर आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, इमेज फॉर्मेशन, देन आपका हीट के अंदर मेजरिंग, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट वगैरह वगैरह। तो पूरा हीट वाला वही आपका जो बेसिक फिजिक्स होता था 11th 12th वाला, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, लाइट, हीट, इधर साउंड वगैरह। तो पूरा जो 12th वाला जो सिलेबस है इसको देख के मुझे लगा वो 12th की युगबोध याद आ गई, जहाँ पर पूरा ये सिलेबस पढ़ा करते थे। तो ये पूरा आपका फिजिक्स यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आपका यहाँ पर ये है कि जो भी आपके जनरल मैनुअल्स आते हैं वो मैनुअल से आप पढ़ सकते हैं, है ना। कोई भी आपका मैनुअल हो, चाहे वो यूनिक का हो, TMH का हो, किसी दूसरे उसका मैनुअल हो, तो वो मैनुअल से आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर सब बेसिक चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है आपका NCERT। उसके अंदर क्या होता है कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के या आर्ट्स के या दूसरे किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनको बड़ा दिक्कत होता है मैनुअल से समझने के लिए, बट वो NCERT से पढ़ोगे ना तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि अभी क्या चीज़ अभी यहाँ पे हो रही, क्योंकि उसमें वहाँ पर आपको 6th क्लास के स्टूडेंट के तौर पर, 7th क्लास के स्टूडेंट के तौर पर, 8th क्लास के स्टूडेंट के तौर पर, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आपको बताई जाती है। तो उसके अंदर उन चीज़ों को जो समझना है वो समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करें, दो तरीके से NCERT साइंस का पढ़ सकते हो। पहला तरीका तो यहाँ पर ये है कि 6th से लेकर 10th तक का जो पूरा NCERT है वो एक एक करके आप पूरा पढ़ लो, पहले 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, इस तरीके से। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, उसको आप डिवाइड कर लो बिटवीन द फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो उसको आप क्या करें कि उसको जो पूरा NCERT है, अब उसके अंदर पूरे 6th से लेकर 10th तक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करें, क्लास 6 के अंदर जो भी आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं, जो आपके केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, जो बायोलॉजी के टॉपिक हैं, इनको अलग कर लें। सेम चीज़ 7th में भी करें
सेम चीज एट्थ में भी करें, सेम चीज नाइन्थ में भी करें, सेम आपके टेंथ में भी करें, ठीक है। अब इसमें से फिजिक्स का पार्ट, इसका इसका फिजिक्स का पार्ट, इसका फिजिक्स का पार्ट, इसका फिजिक्स का पार्ट, इसका फिजिक्स का पार्ट, तो ये सब पार्ट निकाल लें और इसको फिजिक्स पढ़ें, फिर सेम केमिस्ट्री के साथ में करें, सेम बायो के साथ में करें, तो ये क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका जो पीसीबी है वो अलग अलग अभी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। वैसे छठी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, इसको ऐसे रीड करके छोड़ दे तो ठीक है, सातवीं आठवीं नवीं दसवीं में काफ़ी चीज़ें हैं, नवीं दसवीं थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो अब ये मत करना है कि जो छठ सातवीं आठवीं में दिया हुआ है वो तो नवीं दसवीं में भी दिया है, तो डायरेक्ट नाइन टेंथ पढ़ लें, लेवल बहुत अंतर है, बहुत हाई लेवल अभी यहाँ पर है इसका, तो इसके लिए सेवन्थ और एट्थ को इग्नोर ना करें, इसको पढ़ने के बाद ही नाइन टेंथ अभी यहाँ पे पढ़े, तो जो भी आपका बेसिक फिजिक्स है, बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक बायो है, वो पूरा कवर हो जाएगा। एंड दूसरी चीज कि जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इग्नोर ना करें, वो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग वाले या जो साइंस वाले हैं, उनके लिए ठीक है, उनको अगर नहीं पढ़ा होगा बहुत टाइम से तो एक बार पढ़ने में, शायद दो बार पढ़ने में समझ मैनुअल से भी आ जाएगा, ठीक है, उनको भी बोलता हूँ एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, ठीक है, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। यूनिट टू आपका एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, पूरा आपका केमिस्ट्री इसके अंदर है, उसका डेफिनेशन, केमिस्ट्री सिंबल, प्रॉपर्टीज, अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ, मटेरियल, मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिटी, ठीक है, उसके बाद आपका एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, बॉन्डिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन वगैरह, एसिड, बेस, सॉल्ट, पीएच वैल्यूज, इंडिकेटर्स वगैरह, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपके केमिस्ट्री इन द डेली लाइफ, है ना, रोज की लाइफ में जो भी केमिस्ट्री वगैरह यूज होता है, एसिड, बेस, सॉल्ट, सब बेसिक फैक्ट्स हैं आपके केमिस्ट्री के, और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब एनसीईआरटी से एक एक चीज कवर हो जाएगी, ठीक है, उसके अलावा मैनुअल पढ़ोगे तो मैनुअल से तो हो ही जाएगी। उसके बाद यूनिट थ्री है, यूनिट थ्री इज अ बायोलॉजी, जिसके अंदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, अच्छा टॉपिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया उसने, सेल, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल वगैरह, तो वही आपका पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ना है जो आई थिंक नाइन्थ की बायो में दिया हुआ है, न्यूट्रिशन इन द प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, बैलेंस डाइट, विटामिंस, डिफिशियंसी, डिसीज उसके कारण जो होती है, हार्मोन्स वगैरह, तो ये सब बेसिक बहुत टॉपिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाइट्स और विटामिन वगैरह वगैरह, तो ये हेल्थ वाले टॉपिक के अंदर वहाँ पर भी काम आएंगे और यहाँ पर भी काम आएंगे, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर इन द फंक्शनिंग, रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अलग अलग आपके ह्यूमन बींग के अंदर, आपके प्लांट्स के अंदर, आपके दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस, तो वही आपके न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सेल टाइप है, तो बेसिक बायोलॉजी इसके अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन द एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन और हेल्थ हाइजीन और डिजीज वगैरह पूरा, तो ये सब बेसिक पार्ट्स हैं, ये सब बेसिक पार्ट आपके बहुत बेसिक बायोलॉजी है, और ये छठी से दसवीं तक का जो आपका एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगर थोड़ा दम है तो 11, 12 की पढ़ लो, बट आई विल सजेस्ट कि ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बायोलॉजी आपका रहा होगा तो ये सब टॉपिक ऑलरेडी आपके हो जाएंगे, बट छठी से दसवीं तक एनसीईआरटी आप पढ़ लो, और दूसरे बाद उसके बाद मैनुअल तो आपको पढ़ना ही है, तो उसमें आपका पूरा पेपर थ्री का जो सिलेबस है, मतलब आपका जो यूनिट थ्री, वन टू थ्री पूरा आप यहाँ पे कवर हो जाएगा। यूनिट फोर, भैया कंप्यूटर दे दिया उसने, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरेशन, पता नहीं प्री में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पीछा छूटा था कंप्यूटर से, अब मेंस के अंदर पूरा पकड़ा दिया उसने, लो पढ़ो, ठीक है, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट, आपके स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, बहुत बेसिक, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, डिफरेंस यूज, आपके जो पोर्टल्स हैं, साइट्स हैं, वेबसाइट हैं, वेब पेजेस हैं, उनके आपके अलग अलग जो पोर्टल्स वगैरह हैं वो सब इसके अंदर यहाँ पे किए गए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखो इसके लिए सबसे जो सिंपल तरीका है, ये तीन अगर मैं बात करूँ, इन तीनों की या पूरे की अगर मैं बात करूं, तो जो भी बैंक वगैरह के नोट्स आते हैं ना, बैंक के या एसएससी का, या आप थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा लो तो ठीक है, बैंक वगैरह का जो एग्जाम होता है जिसके अंदर कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, तो वो आपको नोट्स देख लो किसी वेबसाइट के ऊपर, जैसे बैंकर अड्डा वगैरह के ऊपर, या एसएससी अड्डा पे मिल जाए, या आपको कोई और नोट्स वहाँ पे मिल जाए, तो बेसिक नोट्स से आपको पूरा टाइप, आपका टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, जनरेशन वगैरह वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। हम तो मेंस में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी नोट्स के लिए बता रहा हूँ कि वो उन चीज़ों से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपके लैंग्वेज, ट्रांसलेटर सब कुछ है, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, अब ये सब तो आपको पता ही है, बट आपको मेंस के लिए लिखना है तो थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में नेट पर सर्च कर लो, गूगल पर टाइप करो इंटरनेट, तो पूरा बता देगा, पूरा हिस्ट्री बता देगा, ईमेल है, सोशल मीडिया है, ई गवर्नेंस है, ये सब हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से ही पढ़ना है
तो एक एक एग्जाम होता है एसओ का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आपके आईटी ऑफिसर या ये सब एग्जाम होता है ना आपका बैंक का, तो वो आईटी ऑफिसर की जो बैंक बुक होती है उस बुक के अंदर आपको काफ़ी सारे जो डिटेल के अंदर ये सब चीज़ें हैं वो यहाँ पे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएगी। बट उसके अंदर एमसीक्यू का बेस ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो उससे पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो लोग ये कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह के कोर्स करते हैं या इस प्रकार के कोर्स करते हैं, उनकी जो किताबें होती हैं उसके अंदर बेसिक काफ़ी अच्छा होता है, तो उसका भी यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके अंदर थ्योरी बड़ी अच्छी देती है कि कंप्यूटर के इतने प्रकार होते हैं, लैंग्वेज के इतने प्रकार होते हैं, वो उसका थ्योरी बड़ा अच्छा होता है, तो वहाँ से उसका जो थ्योरी है वो थ्योरी अभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यूनिट 5 बोलती है नंबर्स एंड इट्स टाइप, मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट, इक्वेशन एंड फैक्टर्स, मतलब आपका वही मैथमेटिक्स आ गया, एप्टीट्यूड यहाँ पर आ गया, नंबर फंक्शन पूरा, मेजरमेंट, इक्वेशन ये वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना। तो मुझे लगा था कि नए सिलेबस में कम से कम मैथ्स नहीं देगा, लेकिन लगे हैं, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड मीडियम वगैरह भी दे दिया, वेरिएशंस, टाइप ऑफ सैम्पलिंग वगैरह, ये थोड़ा सा उसने ना गलत किया है ना, ये टॉपिक नहीं देना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दे दिया उसने। खैर, मीन, मोड मीडियम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक आपने 9th 10th के अंदर पढ़े ही होंगे, तो ये आप पढ़ सकते हो। अब इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स होती है या एमपी बोर्ड की जो बुक होती है उसके अंदर ये टॉपिक सब दिए हुए हैं, आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो, या अब इसका मैं बताऊं तो नेट के ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे मीन मीडियम वगैरह के, उससे निकालना सीख सकते हो। प्लस में हम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी उसको हम फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो ये आपका यूनिट 5 हुआ है ना, तो थोड़ा छोटा पेपर लग रहा है। यूनिट 6 आपका हो गया कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, है ना, ये पेपर 2 के अंदर भी डिजीज की बात कर रहा था, फिर से आ गया नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, प्राइमरी नॉलेज ऑफ द आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो जब मैंने लास्ट टाइम हेल्थ पढ़ाया था तो स्टूडेंट को मैंने आयुष नहीं दिया था उसके अंदर, लेकिन फिर भी आयुष की बेसिक चीज़ें मैंने ऐसे बता दी थी बच्चों को, अब उसने इंस्पायर होकर सिलेबस के अंदर डाल दिया, तो ठीक है। आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी जो है, योग, यूनानी वगैरह, सोदा आपका, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आपका, दूसरे भी इस तरह की कई सारी चीज़ें होती है, तो वो बेसिक चीज़ें भी, सावा, रिगपा वगैरह सब कुछ उसके अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम हो तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, देखो ये क्या है कि आयुष जो मिनिस्ट्री है उस आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मैंने नोट्स बनाए थे, तो काफी अच्छा उसके अंदर दिया गया है, तो वहां पर ये पूरा जो नोट्स है ऑलरेडी आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, राज्य और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी स्कीम, इसके लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट मैं आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा थोड़ा सा रिसर्च करने में, पढ़ने में अगर इंटरेस्टेड है। वेबसाइट का नाम है विकासपीडिया, है ना, अब पता नहीं सरकार की है या कोई प्राइवेट है, जो भी है, बट वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। विकासपीडिया नेट पर सर्च करना, ये वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब कोई भी आप टॉपिक डालोगे ना, आप डालोगे नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसके नीचे लिख दो विकासपीडिया, ठीक है, तो विकासपीडिया उसके पीछे लिख दोगे तो विकासपीडिया के उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाएगा। और एक बार आप नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पहुँच गए उसके बाद आपको बहुत सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो वेबसाइट बड़ी अच्छी है, आपको सब टॉपिक एक जगह कंपाइल होकर मिल जाते हैं। जैसे आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करी तो जितने भी टाइप के वैक्सीन है सब उसके अंदर बता देगा। ठीक है, आयुष अगर आप सर्च करोगे तो आयुष के अलग अलग जो भी मेथड्स हैं या आयुष का जो भी हिस्ट्री वगैरह है, प्रेजेंट वगैरह है, सब कुछ अभी विकासपीडिया यहाँ पे बता देगा। हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, जैसे हमारे यहाँ निरामयम चल रही थी और आयुष्मान भारत चल रहा है, ठीक है, ऐसी अलग अलग कई सारी स्कीम्स है अलग अलग राज्य सरकारों की, ये तो सिर्फ आपके पब्लिक हेल्थ की हो गई, उसके अलावा भी कई सारी हेल्थ वेलफेयर की स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या दूसरी भी जो वुमेन एम्पावरमेंट की या चाइल्ड एम्पावरमेंट की स्कीम है जो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है या कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड है, तो वो सभी स्कीम अभी आएगी। मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख आपके जो स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, तो एक तो इंटरनेशनल लेवल WHO हो गया, अब उसके अंदर आपका जो है अलग अलग हेल्थ डायरेक्टरेट हो गया स्टेट के अंदर या हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, उसके अंदर अलग से आपका फिर नेशनल आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन हो गया उसके पार्ट हैं RCH वगैरह ये वो करके, तो वो मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर हो जाएंगे। ऐसे नेट पे सर्च करोगे तो कई सारी बॉडीज आपको मिलेंगी, कुछ बॉडीज जो है वो गवर्नमेंट के लिए दवाइयाँ परचेस करती है, कुछ रिसर्च करती है, आपका जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है या ऐसी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। विकास मीडिया का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मैं अपने नोट्स बनाने का सीक्रेट है वो सीक्रेट इन वीडियोस के अंदर खोल रहा हूँ कि मैं अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, वो सबको पता होना चाहिए, वो कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, कोई कोको कोला का रेसिपी तो है नहीं, तो वहां से आप करोगे ना तो काफी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 7 बोलता है इफेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, लिमिटेशन एंड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी,
तो जो बेसिक टेक्नोलॉजीज वगैरह है, हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, ठीक है, तो जो भी रिमोट सेंसिंग है इंडिया के अंदर उसका हिस्ट्री क्या है, क्या उपयोग किया जाता है, तो थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग आप जब पढ़ोगे इसका हिस्ट्री, तो थोड़ा सा महाभारत के पीरियड में भी आपको कई सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत उसके अंदर लिख सकते हो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका इसरो, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT जो आपके इंदौर के अंदर है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आपके लेजर रिसर्च और बाकी जो भी एटॉमिक रिसर्च है उसके लिए, कई सारे रिएक्टर्स उसके अंदर लगे हुए हैं। तो हम तो यही पढ़ते हैं कि ठीक है 84 में इस्टेब्लिश हुआ और इसने इस्टेब्लिश किया वगैरह वगैरह, बट उसके पीछे का जो साइंस है वो आपको समझना जरूरी है। और ऑब्वियसली बात है ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, RRCAT की खुद की वेबसाइट के ऊपर, तो वो कई सारे आपके ब्रीडर रिएक्टर्स वगैरह सब कुछ अभी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर SCDC श्रीहरिकोटा के अंदर, डिफेंस आपका DRDO हो गया, या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, ओके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया, TIFR मुंबई हो गई, तो ये इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप जाओगे ना तो यू गेट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको उसके अंदर अभी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL तिरुपति, ठीक है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर बैंगलोर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इंडियन डीप साइंस नेटवर्क उसका आपका आपका रामनगर, इंडियन स्पेस डेटा सेंटर, देन आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह तिरुवनंतपुरम के अंदर आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग हो गया, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया, ठीक है। ये जितने भी तमाम तरह के जो इंस्टीट्यूशन है ये सब इंस्टीट्यूशन, और नीचे लिखा है गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउ इंस्टीट्यूट, ये सभी की जानकारी आपको यहाँ पे बेसिक होना चाहिए। तो 3 नंबर के अंदर, 5 नंबर के अंदर ये कई बार टॉपिक अभी यहाँ पे आ सकते हैं, तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इनकी वेबसाइट खोलो, वेबसाइट के अंदर आपको ईच एंड यू गेट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, अब इनमें क्या आपको देखना है बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, उसका विजन क्या है, तो उनकी वेबसाइट में विजन है, उनका मिशन है, सब कुछ मिल जाएगा। तो इनकी वेबसाइट के अंदर अबाउट अस का सेक्शन होगा, उस अबाउट अस के सेक्शन में आपको सब चीज़ें अभी यहाँ पर मिल जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट, विजन, मिशन, अभी तक जो प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर जो 6 है, यूनिट नंबर 6 बोलता है कि जनरेशन ऑफ द आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्च व्हीकल GSLV है। उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी जो 2019 के अंदर भी था यहाँ पर भी है, उसका डेफिनेशन, यूज इन द सेक्टर ऑफ द हेल्थ एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट वगैरह, सब कुछ सब कुछ। तो ये आपको विकास मीडिया पर भी मिलेगा, और बेसिक आपका जो NCERT है शायद 12th का है वहां पे मिलेगा, खैर मैं NCERT नहीं सजेस्ट करूंगा इसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो बेसिक आपको नेट के ऊपर बेसिक चीजें मिल जाएंगी, उसके अलावा कोई भी बायोटेक का किताब है या आपका नॉर्मल साइंस का किताब है उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हो। थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो विकास पीडिया या नेट से पढ़ लो, उसके बाद आपके क्लोन्स हैं, रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देन आपके पेटेंट एंड राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रिप्स और ट्रिम्स हैं, तो ये बेसिक टॉपिक्स ऑलरेडी आपको 2019 में भी थे, अभी भी है, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर हो गया। अब इसके लिए बहुत अच्छी किताब बताता हूँ मैं, अगर आप परचेज कर सको तो, वो होता है आपका साइंस एंड टेक का स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो वो जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ऐसे कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स अभी यहाँ पे दिए गए हैं, तो स्पेक्ट्रम के अंदर से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रम एक पब्लिकेशन है, काफ़ी अच्छी किताबें आती हैं उसकी, साइंस एंड टेक, जैसे आपने स्पेक्ट्रम का इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा ज़्यादातर लोगों ने, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक उसका काफ़ी अच्छा किताब आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और बहुत ही अच्छी किताब है। उसके अंदर जितने भी टॉपिक है ना, ये हेल्थ डेवलपमेंट और ये टॉपिक सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, एक अलग से लेक्चर उसके अंदर एक टॉपिक है उसके अंदर, ये सब के बारे में, इन सब के बारे में दिया गया है। विश्वेश्वरैया, श्री रामानुजन, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, है ना, सत्येंद्रनाथ बोस, देन राजा रमन्ना, ओके, देन आपके प्रफुल्ल चंद्र रॉय, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ द साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज़ हो, दूसरे प्राइजेस हो, ठीक है, तो वो सब प्राइजेस अभी यहाँ पर, तो ये आपको टॉपिक उसके अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 बोलती है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा के आपके परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत,
मीनिंग डेफिनेशन एग्जाम्पल्स एंड द डिफरेंसेज. अब इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस अभी गवर्नमेंट ने लाए हैं तो चेंजेस के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा. एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपका एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फंक्शनिंग वगैरह, तो ये सब स्पेक्ट्रम के अंदर दिया हुआ है. एनर्जी परचेज, प्रोडक्शन परपेज, प्लानिंग एंड कंट्रोल, मेंटेनेंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद द एनर्जी स्ट्रेटेजीज हैं कि कैसे आप ऊर्जा खरीदते हो, कैसे उसका उपयोग करते हो, उसके नई नई टेक्नोलॉजीज हैं ऊर्जा के अंदर, वहाँ पर क्या है. ठीक है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के आपके नए नए जो स्रोत हैं वो नए अल्टरनेट सोर्सेज क्या हैं, जैसे आपका जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, ओके, उसके अलावा दूसरे आपके सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो जितने भी प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं ये सब रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मेंशन करना है. और ये सभी रिसोर्सेज ईच एंड एवरीथिंग टू द पॉइंट कहाँ मिलेगी, स्पेक्ट्रम में, है ना. किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा, किताब अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है, जितनी भी किताबें मैंने इस वीडियो में, पुराने वीडियो में बताई हैं यहाँ पे, उसमें किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं है, बस किताब अच्छी है, मुझे पसंद है, मैंने उनसे पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ आपके भले के लिए. ठीक है, बाकी आपको अगर और कोई किताब अच्छी लगती है तो दिस इज योर चॉइस, ये मेरा मैटर नहीं है. ठीक है, उसके डेफिनेशन, स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंट, तो पूरा एनवायरमेंटल स्टडी दिया है, फिजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, आपका एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, है ना, ये सब है. इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, एथिक्स एंड वैल्यूज रिलेटेड ऑन द एनवायरमेंट. ठीक है, उसके अंदर आपका जो कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, इश्यू एंड चैलेंजेस विद एनवायरमेंटल, कोज एंड इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, कंजर्वेशन एनर्जी, है ना, ये जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर कई सारे रिसर्च आजकल चल रहे हैं और कई सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी. कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, इसके ऊपर PCRA ने कई सारे रिसर्च किए हैं, कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह है, तो ये मिल जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एंड इट्स प्रोटेक्शन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी घुसा दिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह, ये सब जो टॉपिक हैं ये आपको स्पेक्ट्रम में तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका नेट के ऊपर भी मिलेगा. उसके अलावा जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बुक आता है शंकर IAS का एनवायरमेंट का, तो वो जो एनवायरमेंट का जो शंकर IAS का बुक है वहाँ पर भी आपको लगभग लगभग ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पे मिल जाएगी. थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा. ठीक है, यूनिट नंबर 10 बोलता है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जियोलॉजी. अब भैया जियोलॉजी आ गया, नया टॉपिक उसने डाल दिया जियोलॉजी का. ठीक है, उसके अंदर आपका अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, तो वही जो बेसिक आपका ज्योग्राफी है बस वो पूरा ज्योग्राफी उठा के यहाँ डाल दिया. ओरिजिन, एज ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रॉक डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, मिनरल्स एंड ओट, फॉसिल, वेदरिंग, इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर, नेचुरल कोल, नेचुरल ऑयल, गैस वगैरह वगैरह, जितने भी आपके ज़मीन के अंदर से जितने भी रिसोर्सेज निकलते हैं, रॉक्स निकलते हैं, सब अलग अलग टाइप के रॉक्स, फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ टॉपिक जो है इसके अंदर अभी यहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे यूनिट नंबर 10 के अंदर. तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है इसका, पेपर नंबर 10 का आपके यूनिट 10 के अंदर. तो इसके लिए आप जो है वो जियोलॉजी के अंदर, अब इसका किताब में क्या बताऊँ, ये आपको बेसिक चीज़ें आपकी जो बेसिक ज्योग्राफी की जो किताब होती है ना, जैसे GC लियोंग हो गई या सविंदर सिंह तो नहीं बोलूँगा मैं, NCERT के अंदर कुछ चीज़ें दी गई है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, आपको आराम से ज्योग्राफी की किताब के अंदर या इवन NCERT के अंदर भी जो टॉपिक दिए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से इन चीज़ों को आप यहाँ पे कवर कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा प्लस में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो तो सब टॉपिक आपको कवर वहाँ पे किए ही जाएंगे. ठीक है, तो क्या करना है आपको प्लस लेने के लिए, सिंपल से मेरा जो कोड है पवन लाइव का उपयोग करना है. उसके अलावा इस चैनल के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ में डालूंगा जिसके अंदर हम कई सारे इस प्रकार के टॉपिक है, 2020 के, 2019 के कई सारे टॉपिक इस चैनल के ऊपर हम पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी प्रिपरेशन के अंदर काफ़ी आपको हेल्प करेगा. थैंक यू.